हेलो फिफ्थ क्लास, आज आपका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने 2.1 ख़त्म कर दी थी, अब हम 2.2 पे आते हैं। हमने पहले फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा था, फर्स्ट ऑपरेशन क्या था हमारा? एडिशन। अब हमारा सेकंड ऑपरेशन है जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आपको माइनस करना है और माइनस करना आप क्लास फर्स्ट से सीख रहे हैं या आप खुद करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्शन है, आपको हमेशा याद रखना है सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला नंबर आप ऊपर लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाई देती हूँ कैसे लिखेंगे। ये आपका कौन सा पार्ट है? सेकेंड। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो के लिए बताया गया, अपनी कॉपी में आपको नहीं लिखना। आपने अपनी कॉपी में आपको एक्सरसाइज 2.2 लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकेंड का एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, बी पार्ट। देखिए ये क्या लिखा है, इधर देखिए एक बार, ये लिखा है इस नंबर, ये माइनस लिखा है। जब भी माइनस होता है, जब भी सब्ट्रैक्शन होता है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखा जाता है। ये देखिए ये बड़ा है इससे। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला नंबर है वो मैं ऊपर लिखूंगी, 6565 6565 6565। और आगे क्या लिखा है, 1678 1676 1676 6867। ठीक है, आप इसको माइनस कर देंगे। बस आपको सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखा है, जो फ्रॉम के पीछे वाले हैं वो नंबर ऊपर आएंगे और आगे वाले नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन खुद से करने हैं कॉपी में। क्वेश्चन थर्ड से सीधा शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अनिल वॉन्टेड टू बाय अ कार विच कॉस्ट इतना। मिस्टर अनिल एक कार खरीदना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट इतनी है। ही हैड इतना एंड बोरोड द रेस्ट फ्रॉम अ बैंक। उनके पास इतने तो पैसे थे लेकिन बाकी उन्होंने क्या करे, बैंक से लिए हैं। तो बताइए कितने मनी उन्होंने बैंक से लिए हैं। तो इजी है, उनके पास, उन्हें कार खरीदनी है जो इतने रुपए की है, इतने रुपए उनके पास हैं, बैंक से उन्हें कितने लेना है आप सबको पता है। माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे मिस्टर अनिल हम लिखेंगे सीधा कॉस्ट ऑफ द कार लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ द कार कितनी है, ₹54,298,55। देखिए अगर आप यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ थोड़ा हॉच पॉच हो गया है तो आप अलग से लिख के माइनस करेंगे। ये नहीं कि छोटा छोटा माइनस करेंगे फिर चेकिंग में मैम उसे क्रॉस कर देंगी। तो ये जितना साफ लिखेंगे आप उतना ही अच्छे से आप माइनस कर पाएंगे। अगर यहाँ हॉच पॉच हो गया तो आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, मिस्टर अनिल हैव कितने मनी है उनके पास, रुपीज़ कितने हैं, 2349800। देख रहे हैं, एक नंबर के नीचे आपका एक नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ही, अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस। माइनस करके हमने क्या निकाला है, मनी ही नीड टू बोरो। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो फ्रॉम किससे ले रहे थे, बैंक से। तो जो आपका माइनस करके यहाँ आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे कि कितने मनी उन्होंने बोरो किए हैं। बी पार्ट देखिए, अ कंपनी अर्नड इतना इन अ ईयर इफ इट्स एक्सपेंसेस। देखिए इतना कमाती है, अर्न मतलब होता है कमाना, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। तो बताइए सेव कितना करती है, बहुत ईजी है। ठीक है, हम सीधा लिखेंगे अर्निंग, सीधा लिख देंगे एक ही वर्ड अर्निंग। ठीक है, अर्निंग कितनी है या अर्निंग ऑफ द कंपनी लिख देंगे। दोबारा लिख देती हूँ मैं, अर्निंग ऑफ द कंपनी आप लिखेंगे कितनी है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा ऑफ द कंपनी कितने हैं। ठीक है, एंड जो माइनस करके आएगा उसको लिखेंगे कंपनी सेव्स, यानी कितना बचाती है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे जो दोनों को माइनस करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सी देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इतना। दो नंबर को हमने माइनस किया और इतना आ रहा है, इफ द ग्रेटर नंबर इज इतना फाइंड द स्मॉलर नंबर। क्या लिखेंगे, ठीक है ग्रेटर नंबर इतना है, दो नंबर को हमने माइनस किया है तो इतना आ रहा है, तो ग्रेटर नंबर इतना है, कैसे लिखेंगे, ग्रेटर नंबर कितना है वो आप देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस किसका, डिफरेंस है ऑफ टू नंबर,
कितना दिया है, ये दिया देखो 6457058, ठीक है। और यहाँ से आपका निकल आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो स्मॉलर नंबर, ठीक है, ये आप खुद करेंगे कितना आएगा माइनस करके। अब डीप क्वेश्चन देखिए, इन 2009 देयर वॉज इतना वैगन्स इन द कंट्री, ठीक है, और इन 2010 द कंट्री हैड इतना वेगन्स, हाउ मैनी वेगन्स वर एडेड फ्रॉम 2009, हाउ मैनी वेगन्स वर एडेड फ्रॉम 2009 टू 2012। जो वेगन्स है वो एक तरीके की गाड़ी होती है, ठीक है, तो लिखा है 2009 में इतने वेगन्स थे और 2010 में द कंट्री हैड इतने वेगन्स, तो बताइए हाउ मैनी वेगन्स वर एडेड, कितने ज़्यादा ऐड किए गए, मतलब इन्होंने कहा है टोटल इतने थे फिर 2010 में टोटल इतने थे, ठीक है, तो यानी 2010 में वो भी वेगन्स है जो इन्होंने 2009 में इनके पास थे, ठीक है, तो 2010, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, वेगन्स इन 2010, ठीक है, कितने थे ये लिखे 361240, ठीक है, वेगन्स इन 2009 कितने थे 354155, ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ वेगन वर एडेड फ्रॉम 2009 टू 2010, यहाँ इक्वल टू करके लिख देंगे जो आपका माइनस करके आएगा। देखिए यहाँ से मैंने लिया ये वेगन्स वर एड, कितने वेगन्स ऐड किए गए थे, तो जो आप माइनस करेंगे वो आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। बहुत ईजी है ये, पहले आप ये लिखेंगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होता है, और ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप खुद ही देखेंगे, खुद ही ढूंढेंगे, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर कितना होता है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कितना होता है, आप दोनों को माइनस करेंगे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एफ पर, इंडिया एक्सपोर्टेड रेडीमेड गारमेंट इतना इन टू ईयर, यानी गारमेंट मतलब क्लोथ, इतने रुपए के क्लोथ बनाए 2 सालों में, इफ द वन ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट वॉज इतना, फाइंड द अमाउंट रिसीव इन द सेकेंड ईयर, यानी 2 सालों में इतना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि यहां से बाहर भेजे गए हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गारमेंट्स इन 2 ईयर, ठीक है, आप लिख लेंगे यहां से कितना है, ₹65982359। अब देखिए यहाँ पर हॉज पोच हो गए, यहाँ पर मैं माइनस नहीं कर पाऊंगी, तो इसमें मैं नीचे अलग से लिख के माइनस करूंगी, अभी आपको स्टेटमेंट बता देते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, या कॉस्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, इतना, ठीक है, ये आप इसके नीचे लिख देंगे और यहाँ पर दोनों को, क्योंकि अगर आप साफ साफ लिख पाए तो आप यहीं पे माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पहले अच्छा साफ साफ खुला खुला लिखेंगे और फिर आंसर में दोनों को माइनस करेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट अमाउंट रिसीव्ड, यहीं से आंसर देख सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड इन सेकेंड ईयर, ठीक है, जो भी आपको माइनस करके आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो ये है कॉस्ट ऑफ गारमेंट इन 2 ईयर, ठीक है, इसे भी कॉस्ट ही कर दीजिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गारमेंट इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ से ये हटा दीजिए, हमने कॉस्ट ही निकाली है तो हम एक्सपोर्ट वर्ड हटा देते हैं, कॉस्ट ऑफ गारमेंट इन सेकेंड ईयर ही कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गारमेंट इन 2 ईयर, कॉस्ट ऑफ गारमेंट इन फर्स्ट ईयर, और दोनों को माइनस करके हमने निकाली है सेकेंड ईयर की, ठीक है, तो आपकी 2.2 भी खत्म हो गई है, 2.2 भी आपकी यहाँ खत्म हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।